चलना सिखाओ तो टेस्टिंग टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्ट अबे जल्दी करो टाइम नहीं है भाई तो सीन ये है यार अनस और मेरा लैपटॉप जो है ना वो खराब हो गया है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई है जबकि अनस के लैपटॉप में काफी दीगर मसाइल चल रहे हैं तो अनस को तो अपने लैपटॉप सेल करना है जबकि मुझे अपना लैपटॉप की स्क्रीन रिपेयर करवानी है तो हम लोग जा रहे हैं सदर यार देखो अकेले जाने वाला सीन तो बिल्कुल भी नहीं है तो अगर मेरी बात मानो तो कुछ तजुर्बेकार दोस्तों को अपने साथ जरूर लेकर चलना यकीन करो बहुत फायदे में रहोगे लैपटॉप भी दूसरा ले लूँ मैं इसको बोल रहा हूँ अगर इसको अपने जैसे लैपटॉप चाहिए तो अपने लैपटॉप चार्जेस निकाल के सीधे ले लूँगा एक मिनट इनका तारुफ करवाना तो मैं भूल ही गया ये है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हसन भाई और कंप्यूटर्स के मामले में इनकी नॉलेज का लेवल कुछ इस तरह है कि अगर हम तमाम दोस्तों की नॉलेज को भी मिला लिया जाए तो तब भी ये बाजी ले जाएंगे ये पड़ेगा इस वक्त हसन भाई जो है हमारा लैपटॉप फुल चमकाते हुए हसन भाई क्या आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें कौन सा केमिकल है भाई ये दो चार केमिकल से मिलके बनता है फ्रांस से इंपोर्ट होता है डायरेक्ट बढ़ा सकते भाई फाइनली आफ्टर 5 आवर्स हम लोग की जो मेहनत है वो रंग लाई मेरे भी दोनों मैंने इत्तेफाक से अपना लैपटॉप सेल कर दिया देखें क्या होता है अचानक से लैपटॉप सेल करा के दूसरा लैपटॉप जो बनवाना था वो मैंने बनवा लिया बाकी अनस का लैपटॉप अनस तुम्हारा क्या सीन हुआ है भाई बताओ ज़रा बस एक लैपटॉप एक्सचेंज करवाया है मैंने लैपटॉप बाकी जो नया लैपटॉप था उसकी तो सेटअप करने में इतने घंटे लग गए उसकी माजरत करते कौन सा लिया है तुमने कौन सा लिया टच स्क्रीन वाला बहुत बेहतरीन डेल का लैपटॉप लिया है भाई इन्होंने i5 और 7 जनरेशन लिया है विद टच स्क्रीन हैवी गेम जब तक तुम लैपटॉप वगैरह से फारिग हो गए ना तब तक रात के 10 बज चुके होंगे और उस वक्त तक तुम और तुम्हारे दोस्त भूख से मर रहे होगे तो फौरन निकलने वाली करो और डायरेक्ट पहुंचो KBC और तिक्कों के साथ साथ यहां का सॉसी ब्रोस्ट ऑर्डर करना मत भूलना तभी हम बैठे हैं KBC पे और बेहतरीन सॉसी ब्रोस्ट चल रहा है और हाँ सदर आयो तो फिर जाते जाते आइसबर्ग की कुल्फा आइसक्रीम तो बनती है ना यार पर अभी हम लोग आइसक्रीम खाएंगे सामने आइसबर्ग है यहाँ से हम आइसक्रीम खाएंगे फुल रौनक चल रही है भाई सदर में और बेहतरीन जो है एटमॉस्फेयर है यहाँ पे सफाई भी काफ़ी अच्छी हो गई है यहाँ की और लाइटें वाइटें भी काफ़ी रौनक है ये हमारा कुल्फा आ गया भाई हाँ भाई है ना आइसबर्ग की आइसक्रीम कैसी लगी आपको बहुत मज़ा आया पहली बार खाई है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है उसका कौन सा फ्लेवर आपने ट्राई किया था मैंने क्रंच का फ्लेवर खाया अच्छा बहुत मज़े का था बहुत मज़ा आया यार ये काफ़ी पुरानी है मतलब काफ़ी सालों पुरानी है हमारे दादा भी लेके आते थे हमें यहाँ पर और फिर आइसबर्ग की आइसक्रीम खाते ही हम लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो गए
खैर ये था हमारा आज का छोटा सा विजिट सदर का, एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू ज़ेर भाई, हसन भाई एंड अमार भाई फॉर हेल्पिंग अस आउट थ्रू आउट दिस विजिट।